कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची शिजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। बेटियां तो सबको अजीज होती हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप और मामी जान मेरे घर आए। अरे शिजा बेटा, कैसी बात कर रही हो हैं? तुम तो बिल्कुल हमें मायरा की तरह अजीज हो। शिजा, अगर ये गुड़िया तुम्हें तंग करे ना तो इसे मुझे दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है, अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी औलाद से नवाजेगा इंशाल्लाह। मामी जान बिल्कुल ठीक कह रही है मायरा, अल्लाह तुम्हें भी अपनी रहमत से नवाजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शिजा बेटा, अब हमें इजाजत दो, तुम अपना ख्याल रखना। मामू इतनी जल्दी? आप अभी तो आए थे, खाना खा के जाएं। अरे बेटा, अब फिर कभी सही। भाई साहब, शिजा भी तो मेरी बेटी है, अगर आप इसके घर आ सकते हैं तो मेरे घर आते हुए क्या पाँव घिसते हैं आपके? बेटी को भी तो भिजवाना पड़ा ना आपको, क्या था जो बहन से भी माफी मांगने आ जाते? जरमीना, गलत बात मत करो, तुमने पहले भी मेरी बेटी के साथ ज्यादती की थी और अब भी ज्यादती कर रही हो। हम तो इसे भिजवाना ही नहीं चाहते थे, मगर हम कौन सा लाना चाह रहे थे। ये शिजा बेगम जबरदस्ती बिलाल को आपके घर लेकर गई थी, और बुमानी जिस मकसद के लिए हम सरताशिया को लेकर आए ना, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। सर, अल्लाह से डर के बात किया करो, है ना, जिस रब ने उसे औलाद अता की है वही रब मेरी बच्ची को भी औलाद दे सकता है। रहने दे भाभी जान, अगर औलाद होनी होती ना तो पहले हो चुकी होती। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपकी बेटी में कोई मसला है? अम्मी बस करें, आप लोग क्यों बात को बढ़ा रहे? तुम तो चुप करो, एक तो इनकी बांझ बेटी को अपने घर में लाकर रखा है, ऊपर से इनकी बातें भी सुने, हमें पागल समझ रखा है क्या? बिलाल तुम चुप करो। अरे शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते जो तेरी बीवी ने अपना रखे हैं। बस बस बिलाल मियां, बहुत हो गया, फैसला अभी और इसी वक्त होगा। प्लीज बंद करें आप ये लड़ाई, और कोई फैसला नहीं हो रहा, मायरा कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जाएगी? देख लिया कितनी इज्जत है तुम्हारे घर में इसकी। चलो मायरा। मैंने कह दिया ना, मायरा कहीं नहीं जाएगी, बीवी है वो मेरी, मेरी इजाजत के बगैर वो कहीं नहीं जाएगी। मियां, पहले अपनी बीवी की इज्जत करवाना सीखो, उसके बाद बीवी होने के दावे करना। मेरी बेटी को लावारिस नहीं है। मामू जान, हद से बढ़ रहे हैं। बस कर दे। बस। और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे माँ बाप से इतनी बदतमीजी से बात करने का। मैं अब आपके घर में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना मुझे आपके साथ। चले अम्मी अबू। चलो बेटा, चलो शाबाज, चलो आओ आलिया। इन रिपोर्ट के साथ बच्ची की ख्वाहिश करना तो हिमाकत ही है। क्या मतलब? यार वैसे सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इन रिपोर्ट का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। नहीं यार, ये तो बहुत बुरी न्यूज़ सुनाई है तुमने। इसे आपस की बात है, ये टेस्ट है किसके? वो मेरी फर्स्ट कजन के हस्बैंड के। सो सैड। ये आजकल मैन फर्टिलिटी रेशियो बहुत बढ़ गए। तुम अपने कजन से कहो ना कोई बेबी अडॉप्ट कर ले। यार उसने तो ये रिपोर्ट्स अपनी फैमिली से भी छुपाई। ऐसा ही करते हैं मर्द अक्सर ऐसे हालात में, जबकि खानदान वाले औरतों को ब्लेम देते हैं, और जो इसका असल कसूरवार होता है वो खामोश रह के तमाशा देखता है। ये तो सरासर ज्यादती है, बल्कि बेइज्जती है। क्या कह सकते हैं यार, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है मेरी जान। पर यार इसका कुछ तो ट्रीटमेंट होगा। यार फैसल तुम खुद समझदार, जीरो रिजल्ट के साथ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है मामू और मामी के साथ। अरे तो सईद भाई ने कौन सा मेरा लिहाज कर लिया, मैं भी तो बहन हूँ उनकी। कैसे मुंह फाड़ कर कह दिया कि मैं तो बेटी को भेजना ही नहीं चाह रहा था।
जो भी था, लेकिन वो लोग मेरे घर आए थे और आप लोगों को यहाँ आके झगड़ा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? अरे तो सोचते रहे, हमारी बेटी भी तो घर में बैठी हुई है। आप लोग क्यों बिलाल भाई का घर उजाड़ने पर तोले? बिलाल के घर को क्या हुआ? बिलाल की बीवी उसके घर में मौजूद है, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आप लोगों ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया। ये किसका फोन है? वकील साहब। जी हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिस हिना, मुझे आपसे बहुत जरूरी और सीरियस बात करनी है। क्या मैं अभी आपके घर आ सकता हूँ? इस वक्त खैरियत तो है ना? थोड़ा मसला तो है। अच्छा, आप ऐसा करें कि एक घंटे तक ना घर आ जाएं। वो क्या है कि मैं खुद अभी बाहर हूँ। जी जी जरूर, टेक केयर, मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। जी जी जी, खुदा हाफिज। अरे क्या कह रहे हैं वकील साहब? अम्मी वो कह रहे हैं कि बहुत सीरियस बात करनी है, तो चलें जल्दी घर चलें। जैन का मसला तो नहीं है? जाहिर है ना अम्मी, जैन का मसला होगा। शिजाब ने ड्राइवर से कह के हमें घर पहुँचा दो, बहुत रक्शे में देर हो जाएगी। भाई इनके मसले पर हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलें अम्मी। ऐसे क्या देख लो फैसल, मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहे कि क्या हुआ है? सोच रहा हूँ तुमसे कहूँ या ना कहूँ। जो भी डॉक्टर ने कहा है मुझे बता दो। बताता हूँ, पर एक बात कहूँ, माइंड मत करना। ये पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? मुझे बताओ ना कि क्या कहा है डॉक्टर ने। अफसोस, जिस मर्द के साथ तुमने दूसरी शादी की है ना, वो एक नंबर का खबीस और बेहिस इंसान है, जो दो औरतों को धोखा दे रहा है और अपनी वजह से उन्हें जलील करवा रहा है। तुम्हारी बात का मतलब क्या है? उसकी वजह से पहले मायरा को और अब तुम्हें औलाद न होने के ताने मिलते हैं, लेकिन वो खबीस। फैसल हुआ क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? सरताशिया, तुम बेशक मुझसे शादी मत करो, लेकिन इस शख्स के साथ अपनी सारी जिंदगी जाया मत करो। इस लायक नहीं कि तुम उसके साथ रहो। जब तक तुम मुंह से फूटोगे नहीं, मुझे क्या पता चलेगा तुम क्या बोल रहे हो? ये टेस्ट जिससे तुमसे शादी करने से पहले करवाए, जिसके मुताबिक उसकी रिपोर्ट जीरो है, वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसके बावजूद उसने क्यों की तुमसे दूसरी शादी? औलाद के लिए? तुम्हें जलील कराने के लिए या खुद को मासूम शो करने के लिए? जिस मकसद के लिए हम सरताशिया को लेकर आए ना, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। अगर औलाद होनी होती ना तो पहले हो चुकी होती। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपकी बेटी में कोई मसला है? एक तो इनकी पांच बेटी को अपने घर में लाकर रखा है, ऊपर से इनकी बातें भी सुने, मैं पागल समझ रखा है क्या? अरे शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते जो तेरी बीवी ने अपना रखे हैं। मैंने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, मैं क्या करूं? आप बस किसी तरह ये प्रेगनेंसी का ड्रामा बंद करो और कह देना कि डॉक्टर्स ने उस दिन किसी और की रिपोर्ट देखकर कहा था, क्योंकि अब बात तुम्हारे कैरेक्टर पर आ गई। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इस बिलाल की वजह से। इसीलिए जब मैंने इसको खुशखबरी सुनाई थी ना, उस वक्त मुझे बार बार बोल रहा था कि मुझे रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ। इसको पता था कि ये बाप नहीं बनने वाला। कमबख्त कहीं कर मेरी जिंदगी भी अजाब कर दी। दूसरी शादी की थी वो भी बेकार। देखो गलती तुम्हारी भी है, लेकिन उसने तो उससे भी बड़ा फ्रॉड किया तुम्हारे साथ। बहुत ही घटिया और झूठा इंसान निकला ये बिलाल। मैं तो एक सेकंड भी इसके साथ नहीं रहना चाहती अब। इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने चाचा के घर नहीं जाऊंगी। कुछ दिन के लिए ठीक, लेकिन तुम्हें जाना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद? उसके बाद अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए तुम उसके साथ यहीं रहो। कुछ दिन? तुम कुछ दिन की बात कर रहे हो? मैं एक घंटा भी नहीं गुजार सकती इस धोखेबाज फैमिली के साथ, जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। बेवकूफों वाली बात मत करो, ये टेस्ट वाली बात अभी तुम किसी को नहीं बताओगी, इससे घर में तुम्हारी पोजीशन खराब हो जाएगी। इससे क्या होगा? आज नहीं तो कल ये बात बतानी तो पड़ेगी ना उन्हें। आखिर कब तक अपनी माँ बहनों से छुपाता रहेगा? बस तुम कुछ दिन इंतजार करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। How are you? वालेकुम सलाम। अरे वाह भाई वाह, आज तो हमारे घर में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे फैसल तुम कब आए, बताया ही नहीं।
पैसा साहब तो काफी देर से आए हुए हैं। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है इनसे यहाँ। नहीं नहीं आंटी, मैं बस अभी अभी आया था। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे भाई फिर तो चाय का कप बनता है बैठ के। नहीं नहीं बिलाल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे आप लोग इजाजत दीजिए। नहीं भाई नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं, क्यों ही ना। हाँ चाय पिए बगैर तो हम जाने नहीं देंगे, चलो। आप लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं। हाँ आ जाओ, ये फैसल कब आया था? थोड़ी देर पहले ही आया था। मायरा नहीं है आपके साथ? नहीं। लेकर आना चाहिए था ना, सारे घर की जिम्मेदारी गधों की तरह मुझ पे ही लाद रखी है। बस फजूल बातें मत करो, कम से कम फैसल की आमद का मुझे अम्मी को बताना चाहिए था तुम्हें। बैलेंस नहीं था ना मेरे पास, कैसे बताती? अभी रात ही कोई रिचार्ज करवाया था मेरे फोन में मैंने। छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोला करो। चले मैं तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलती आई हूँ ना, जरा अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए, कितने बड़े बड़े मामला छुपाए बैठे हैं आप। मतलब क्या इस बात का? किसी दिन तफसील से बैठ के ना सारे मामला समझाऊंगी मैं आपको, अभी मेरे पास इन बातों का टाइम नहीं है। लेकिन आप, मुझे अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। आप खुल के बात करें ना, मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। ये हमारे घर का ही बच्चा है वकील साहब, आप खुलकर बात करें। आंटी मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। इतनी जल्दी किस बात की फैसल बेटा, खाना खा के जाना। अरे नहीं आंटी आज नहीं, वो मेरे एक दोस्त की शादी है तो मैं वहाँ इन्वाइटेड हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। चलो भाई अगर ये बात है फिर तो तुम्हें रोकना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊँ। फैसल साहब आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं बस मिलने वालों में से हैं, भाई समझे। वैसे आंटी ये वकील साहब खैरियत से आए? अरे हाँ बेटा, वो तुम्हें तो पता ही है ना कि हिना के मियाँ ने उसे तलाक दे दी है, तो वो बच्चे की कस्टडी का मसला चल रहा है। तो आंटी आप मुझे बताती ना, मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा वकील है, आपका केस तो फ्री में लड़ता हूँ। अरे बेटा तुमने पहले बताया ही नहीं, वैसे ये वकील साहब भी ना बड़े अच्छे हैं, भले मानस हैं। वैसे आंटी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? लोग क्यों मानूंगी भला बुरा, तुम्हें मैं अपने बिलाल की तरह समझती हूँ, हर बेटों की बात का कोई बुरा मनाता भला। बस आंटी ये जो वकील साहब अंदर बैठे हैं ना, उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं। क्या कह रहे हो फैसल? बाप से घर वाली बात है इसलिए मैंने कह दिया, वरना। हाँ बेटा बहुत अच्छा किया तूने, वरना हम घर बैठी औरतों को क्या पता। साहब इससे थोड़ा दूरी रहे, और इन आपसे भी कह दीजिए ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाएं इसे, ब्लैकमेलर टाइप बंदा लगता है। अच्छा मैं हिना से बात करूंगी। देखिए आंटी प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, आपको तो पता ही है ना इन मामलों में जो बताता है वही फंसता है। नहीं बेटा नहीं, मैं समझती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। साहब लोगों से घर वाली बात थी इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा इजाजत दीजिए मैं चलता हूँ आंटी। अच्छा बेटा, और सुनो अपने घर वालों को भी लेकर आओ ना किसी दिन। जी जी आंटी जरूर लाऊंगा मैं, चले मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा खुदा हाफिज, जीते रहो। जो नोटिस हमने शायद साहब को भिजवाया था वो वापस आ गया, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया। मैंने कहा था ना आपसे, चालाक इंसान है वो, पता नहीं कहां से उसे खबरें मिल जाती हैं कि केस कर रही हूं मैं, अब घर चेंज कर लिया उसने। ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है, वैसे कौन बता सकता है उन्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या होगा? हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने एक दो बंदों की ड्यूटी लगाई है, जैसे उनका नया एड्रेस मालूम होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। जाहिर है एड्रेस के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना, एड्रेस बहुत जरूरी है। आप परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करें। रहने दें अच्छा, मेरी दुआओं में तो असर ही नहीं है, तो खुशी मेरे पास से भी नहीं भटकती, किस्मत ही खराब है मेरी।
तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलती आई हूँ ना, जरा अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए कितने बड़े बड़े मामला छुपाए बैठे हैं आप। मतलब क्या इस बात का? किसी दिन तफसील से बैठ के ना सारे मामला समझाऊंगी मैं आपको, अभी मेरे पास इन बातों का टाइम नहीं है। मुसीबत है, कहाँ हो तुम? बस अभी अभी घर पहुंचा। अच्छा ये बताओ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, और बनेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तुमने देखा नहीं था वो वकील साहब कैसे घूर रहे थे तुम्हें? फिकर नहीं करो, उसका पत्ता काट आया हूं। वो कैसे? तुम्हारी सास को भड़का दिया मैंने उसके खिलाफ। मरवा मत देना फैसल, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ बिलाल ने कुछ कहा तो नहीं? कहकर तो देखे, जरा लिहाज नहीं करूंगी बिलाल का। सरताशिया तहमुल से काम लो यार। क्या खाक तहमुल से काम लो, बिलाल को देखते ही मेरा बीपी हाई हो जाता है। किससे बुराइयां हो रही थी मेरे भाई की? आप भी तो शाहिद मेरे को कितना कोसती हैं, मैंने कुछ कहा आपको? तो शाहिद मेरा मियां नहीं है, अब तलाक हो गई हम दोनों की। तो अपने भाई को कह के मुझे भी तलाक दे दे। पापा, थोड़ा 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 थोड़ा। कैसी लड़की है ये?